सब्सक्राइब कीजिए हाइड इंफो चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज एंड वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंदा और आप देख रहे हैं हाईटेक इन्फो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल के एक नए ऐप के लिए, जो अभी फिलहाल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उसका ऐप का एपीके जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऐप है, आप इसके ज़रिए आपका जो फ़ोन का डाटा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 GB अगर डेली अगर जल्दी से ख़त्म हो रहा है, अगर जल्दी से आपका फ़ोन में अगर ज़्यादा डाटा कंज्यूम हो रहा है, तो आप इसके ज़रिए आप जो है आपके फ़ोन में डाटा सेव कर सकते हैं। तो आज मैं इसी को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए प्रस्थान करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऐप है, तो इसको जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। तो ये हमारा ऐप, आप यहाँ पे नॉट लिस्टेड सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। और अभी जो है यहाँ पे आपको ये जो है डैशबोर्ड दिखेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली डाटा सेवर इज ऑफ इसको जो है ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कहेगा कि सेटअप डाटा सेवर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे डन देना है और यहाँ पे इसको जो है आइकन को क्लिक करना है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको जो है ये यहाँ पे आप इसको जो ब्लॉक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐप हमेशा आपको चाहिए यूज़ करना बैकग्राउंड में चलना, तो आप यहाँ पे ऑलवेज दे दीजिए, या फिर यहाँ पे 10 मिनट अगर चलेगा उसके बाद अगर ब्लॉक करना है तो आप ये दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है दूसरे जो है ऐप्स है उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो ऑलवेज, या फिर 10 मिनट या फिर 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक इसको जो है डाटा बैकग्राउंड में ऑफ हो जाएगा। तो इसे जो ये ऐप काम करता है, काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, बाकी आप खुद अगर थोड़ा यूज़ करेंगे तो आप और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में जान पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।